अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिस्क क्रिकेट। पाकिस्तान ऑलमोस्ट थर्ड टेस्ट मैच भी हार चुका है और इंग्लैंड को 55 रन चाहिए। पाकिस्तान ने 167 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड की टीम को और पाकिस्तान की टीम 216 रन बनाकर ऑल आउट होगी सेकंड इनिंग्स में। और उन्होंने बहुत ही तेज़ स्टार्ट किया, 3 ओवर में उन्होंने 40 रन मार दिए थे इब्रार अहमद और नुमान अली से। बाबर आजम ने बॉलिंग कराई थी और उनको जैक क्रॉली और बेन डकेट ने इतना मारा, फिर बाबर आजम को फास्ट बॉलर लगाने पड़े। आर रिजवान एक बार फिर फेल हो गए हैं और सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए था। सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई है और उनको अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैच खिला देना चाहिए था सरफराज अहमद को। जो जो स्क्वाड में था वो सब खेल चुके हैं और बस एक सरफराज अहमद नहीं खेल सका टेस्ट मैच। और रिजवान एक बार फिर फेल हो गए हैं, उनका कैच भी छूटा था उसके बावजूद वो आउट हो गए। सोच कील और बाबर आजम के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप लगती है 111 रन की। जब भी बाबर आजम आउट हो जाते हैं पूरी टीम आउट हो जाती है। 53, 53 और 54, पाकिस्तान की 3 कट्ठी विकटें गिर गईं। 164, 176, 177, 178, यहाँ पर पाकिस्तान की 4 विकटें इकट्ठी गिर गईं। पहले 54 रन पे 3 विकटें गिर जाती हैं, उसके बाद ब्रेक लगता है 164 पे पाकिस्तान की 4थी विकेट गिरती है। जो ही वो विकेट गिरती है पाकिस्तान की फिर से लाइन लग जाती है 164, 176, 177, 178। पाकिस्तान की यहाँ पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लगती है, फिर पाकिस्तान की 208 पर 8वीं विकेट गिरती है। फिर से पाकिस्तान की लाइन लग जाती है 211 और 216 पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती है। एक विकेट गिरती है, ये प्रेशर में आ जाते हैं पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान को टैग की तरफ जाना होगा और डिफेंसिव माइंडसेट से निकलना होगा पाकिस्तान की टीम को, तब भी पाकिस्तान अच्छा कर सकती है। और बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत ही ख़राब है और बैटिंग में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कैप्टनसी में बहुत ही ख़राब कैप्टनसी कर रहे हैं पाकिस्तान की बाबर आजम। और इंग्लैंड को 55 रन चाहिए और वो कल टेस्ट मैच जीत जाएंगे और पाकिस्तान को 3-0 से हराएंगे। और पहली बार होगा कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में क्लीन स्वीप होगा टेस्ट सीरीज़ में, और इससे पहले भी हम क्लीन स्वीप हो चुके हैं 3 बार। वो हम यूएई में खेले थे सीरीज़, वो हमारी होम सीरीज थी, लेकिन इन पाकिस्तान हम पहली बार क्लीन स्वीप होंगे। नसीम शाह इंजर्ड होए, हमने उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ली। हारिस रोफ इंजर्ड होए, हमने उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ली। और फिर ये कहते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर के ऑप्शन बहुत कम हैं, मोहम्मद अब्बास बाहर बैठे हैं, मीर हमज़ा बाहर बैठे हैं, और भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको खिला लेते, उनको बुला लेते, और सिर्फ हम 2 बॉलर से खेल रहे हैं, नुमान अली और इब्रार अहमद, और इसके अलावा हमारे पास कोई बॉलर नहीं है। पहली इनिंग्स में हमने फहीम अशरफ से ओवर नहीं कराए, सिर्फ 1 ओवर कराया, और मोहम्मद वसीम जूनियर से हमने पहली इनिंग्स में लास्ट के ओवर कराए। उसके बाद आज भी स्पिनर्स को मार पा रही थी तो फिर बाबर आजम को मजबूरन फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को लाना पड़ा। फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को ना लाते तो और आज ही टेस्ट मैच ख़त्म हो सकता था अगर बाबर आजम स्पिनर को ही लगाए रखते। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।